दोस्तों ये है मेरे पास डेटा, यहाँ पे है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के मार्क्स। कई बार ऐसा होता है जब हम मार्कशीट बनाते हैं ना, तो जो स्टूडेंट फेल होते हैं उनको हम अलग से 4-5 ग्रेस मार्क्स दे देते हैं ताकि वो पासिंग मार्क्स तक पहुँच पाए। मान लीजिए यहाँ पे पासिंग मार्क्स 35 हैं, ठीक है, और ये स्टूडेंट फेल है 32 है, तो यहाँ ग्रेस मार्क्स की जो एंट्री हम करेंगे वो कैसे करेंगे? इसी सेल में हम डबल क्लिक करके इसी सेल में लिखेंगे प्लस करके कितने मार्क्स हमें एक्स्ट्रा इसको देने हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, टोटल 35 हो जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये हो गई ग्रेस मार्क्स की एंट्री, बट यहाँ पे अभी पहले टोटल 99 था, जैसे ही बाहर आप कहीं क्लिक करोगे तो ये टोटल चेंज हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि ये जो टोटल आ रहा है 67, ये केवल इन दोनों सेल्स का है, ये वाला सेल इसमें इंक्लूड नहीं है। क्योंकि आप किसी भी सेल में अगर इस तरह से एंट्री करते हो, नंबर फिर प्लस फिर नंबर, तो एक्सेल उसको नंबर नहीं समझता है, एक्सेल उसको समझता है टेक्स्ट। टेक्स्ट समझेगा तो वो उसको सम के फॉर्मूले में ऐड नहीं करेगा, तो इस वजह से यहाँ पे टोटल हो गया गलत, ठीक है ना। अब इस तरह से अगर आप मार्क्स की एंट्री करोगे तो वो आपको टोटल में सही कैसे दिखाने हैं, है ना। यहाँ पे जो टोटल आ रहा है वो डायरेक्ट है, जो हम नॉर्मल सम का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये लगा हुआ है, बट यहाँ पे इसका करेक्ट सम आ रहा है। इसके लिए लॉजिक आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं किसी भी सेल में, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 और फिर मैं प्लस करके यहाँ पे लिख देता हूँ मान लीजिए 30, इस तरह से एंटर किया तो यहाँ पे देखिए 100 + 30, तो ये टोटल यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है ना। तो प्लस से पहले आप जो भी नंबर लिखोगे और प्लस के बाद जो भी नंबर आप लिखोगे, चाहे वो 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, वो आपको सम में एग्जैक्ट सही दिखाना है। तो इसके लिए क्या लॉजिक हो सकता है दोस्तों? आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, लॉजिक आप समझोगे, दिमाग लगाओगे, तब भी तो आप एक्सेल में एक्सपर्ट कहलाओगे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गई मार्क्स की बात, मार्क्स में इस तरह से हम लिख लेते हैं, बाकी कोई प्राइज है, कोई इनवॉइस है, उसमें भी इस तरह से हम नंबर्स को लिख लेते हैं और फिर हमें वो टोटल में सही दिखाना होता है। तो वो कैसे हो सकता है दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपको सीखना है तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए। मैं हूँ दीपक, आपका दोस्त। नाउ लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो यहां दोस्तों हम लगाते हैं एक बार सम का फंक्शन और इसमें ये रेंज कर देते हैं सिलेक्ट, एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखिए टोटल कितना आया, 34, क्योंकि इस रेंज में केवल यही एक ऐसा सेल है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है, बाकी इन दोनों सेल्स में जो भी लिखा हुआ है एक्सेल इसको टेक्स्ट कंसीडर कर रहा है और टेक्स्ट को कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। तो हमें करना क्या होगा, हमें इस सेल में प्लस से पहले जितने भी डिजिट का नंबर है, जितने भी डिजिट का नंबर, हम फिक्स डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं, प्लस से पहले कितने भी डिजिट का नंबर हो, प्लस के बाद कितने भी डिजिट का नंबर हो, दोनों नंबर्स को अलग अलग निकालना है ताकि हम उनका सम कर पाए। इसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा, हमें सेल में जो प्लस साइन है ना, इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है कि प्लस कौन सी पोजीशन पे है। तो हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनका एक साथ यूज करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे प्लस की पोजीशन निकालनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, मैं यहाँ पे लगा के आपको बताता हूँ, जिसका नाम है फाइंड। इक्वल फाइंड का फॉर्मूला मैंने लगाया, ब्रैकेट ओपन की, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे है फाइंड टेक्स्ट, आपको इस सेल में ढूंढना क्या है, हमें यहाँ पे ढूंढना है प्लस, तो डबल कोट्स के अंदर आप टाइप कर दोगे प्लस का साइन, कॉमा लगा दोगे, अब कह रहा है विद इन टेक्स्ट, ये प्लस आपको कौन से टेक्स्ट में फाइंड आउट करना है, इस सेल में फाइंड आउट करना है, बस एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे प्लस की जो पोजीशन है वो 3 है, इस सेल में आप देख लीजिए 1 नंबर पे 3 है, 2 नंबर पे 2 है, 3 नंबर पे यहाँ पे प्लस है। अगर मैं यहाँ पे कोई और नंबर लिखता हूँ, मान लीजिए ये नंबर मैंने लिखा, और अब आप यहाँ पे देखिए जो प्लस की पोजीशन है वो कितनी दिखा रहा है, ये 5 दिखा रहा है ना, ये देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5th पोजीशन पे प्लस है। तो ये हमें पहले फॉर्मूला जो है वो सीखना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें प्लस की पोजीशन मिल गई कि 5th पोजीशन पे प्लस है, अब इस पोजीशन से पहले वाला नंबर हमें निकालना है और इस पोजीशन पोजीशन के बाद वाला नंबर हमें निकालना है। तो इसके लिए दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे, पहला है लेफ्ट फॉर्मूला, मैं यहां पे लगा रहा हूं एक बार, इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट हमें करेंगे सिलेक्ट, पहले हम ये वाला सेल करेंगे सिलेक्ट, ठीक है, कॉमा लगा देंगे, अब कह रहा है कि कितने नंबर आपको लेफ्ट साइड से निकालने, इधर से जो प्लस है ना इससे इधर से कितने नंबर निकालने हैं। तो
हमें कितने नंबर निकालने हैं, हमें यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो लेफ्ट को बताएगा प्लस की पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा फाइंड ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट मतलब डबल कोट्स में प्लस लिखेंगे, जो ऊपर फॉर्मूला लगाया ना हमने सेम यहाँ पे लगा देना है, कॉमा करके विद इन टेक्स्ट यही हम सेलेक्ट कर देंगे, फाइंड वाली ब्रैकेट बंद और उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट वाली ब्रैकेट बंद। अब होगा क्या, लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, इस C3 सेल में से लेफ्ट में से आपको कैरेक्टर्स निकाल के देगा, बट कितने निकाल रहे हैं ये कौन बताएगा, ये बताएगा फाइंड का फॉर्मूला जो कि प्लस की पोजीशन को ट्रैक करेगा, प्लस कौन सी पोजीशन पे है और उस पोजीशन से लेफ्ट साइड का सारा जो है टेक्स्ट है इसमें से निकाल के आपको दे देगा। फिलहाल मैं एंटर प्रेस करता हूं, तो आप यहां पे देखिए जो प्लस की पोजीशन यहां इस सेल में थी वो कौन सी पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन है। तो लेफ्ट फॉर्मूले ने क्या किया, फिफ्थ और फिफ्थ से पहले का जो टेक्स्ट है वो सारा निकाल के आपको दे दिया, ये देखिए। बट यहां पे प्लस भी आ रहा है, तो हमें प्लस की जो पोजीशन है ना उसको इग्नोर करना है। यहां पे फिलहाल प्लस की पोजीशन 5 है ना, तो लेफ्ट ने क्या किया, 5 और 5 से पहले का टेक्स्ट जो निकाल के दिया है हमें 5 इग्नोर करना है। तो हम यहां पे डबल क्लिक करेंगे और ये जो फाइंड ने हमें जो पोजीशन फाइंड आउट की है ना, इसमें से हम एक माइनस कर देंगे, -1 लिख देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अब यहां पे एग्जैक्ट सही नंबर आपको निकाल के ये दे देगा। मैंने यहां पे मान लीजिए ये टाइप किया, प्लस करके मैंने ये लिखा, एंटर करोगे तो ये देखिए यहां पे 12 आया है, ठीक है। और यहां पे मतलब कुछ भी आप लिख लीजिए, 100 लिखोगे प्लस करके आपने यहां पे लिखा इस तरह से, तो यहां पे 100 निकल के आ गया। ये तो हो गया प्लस से पहले का जो नंबर निकाल के हमें दे देगा, ठीक है। अब प्लस के बाद का हमें निकालना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम यहां लगाएंगे मिड फॉर्मूला, मिड फॉर्मूला जिसको हम प्लस की पोजीशन बताएंगे, और मिड फॉर्मूला क्या करेगा, प्लस के बाद का जो नंबर है वो हमें निकाल के दे देगा। कैसे लगाएंगे देखिए एक बार, इक्वल MID मिड ब्रैकेट ओपन, यहां पे सबसे पहले हमें टेक्स्ट करना है सेलेक्ट, तो मैंने ये सेल कर दिया सेलेक्ट, कॉमा लगाया, उसके बाद कह रहा है स्टार्ट नंबर, जो मिड फॉर्मूला है वो कहां से किस पोजीशन से टेक्स्ट को निकालना चालू कर दे। तो यहां पे प्लस की पोजीशन हमें बतानी पड़ेगी, प्लस कौन सी पोजीशन पे है, उसके बाद का जो नंबर हमें निकालना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे प्लस की पोजीशन इसको बताने के लिए। अब फाइंड का फॉर्मूला हमने ओपन किया, इसमें कह रहा है फाइंड टेक्स्ट, तो डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम प्लस टाइप कर देंगे, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा विद इन टेक्स्ट, इसमें हम ये वाला सेल सेलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, ठीक है ना, कॉमा लगा देंगे। अब मिड फॉर्मूला के अंदर 3 पैरामीटर होते हैं, पहला तो है टेक्स्ट, किस में से टेक्स्ट आपको निकालना है, ये सेल दे दिया। उसके बाद स्टार्ट कहां से करना है टेक्स्ट निकालना, पोजीशन क्या है वो पोजीशन हमने इसको बता दी फाइंड के फॉर्मूला से, ठीक है। उसके बाद नंबर कैरेक्टर की राइट साइड से कितने निकालने हैं, तो ये अब आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो यहां पे नंबर है प्लस के बाद का वो मैक्सिमम कितने डिजिट का हो सकता है। मान लीजिए मैक्सिमम 5 डिजिट का हो सकता है, तो यहां पे आप 5 लिख दीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर प्रेस करोगे तो यहां पे देखिए प्लस 3 आया, ठीक है ना, यहां पे प्लस भी आ रहा है क्योंकि प्लस की पोजीशन कितनी है 4, तो मिड फॉर्मूला ने भी सेम लेफ्ट वाला काम किया, 4 और 4 के बाद का नंबर आपको निकाल के दिया है। तो यहां पे भी हमें करना क्या होगा, प्लस को स्किप करना है, प्लस यहां पे नहीं आना चाहिए। तो फाइंड ने जो पोजीशन इसमें निकाल के हमें दी है ना, उससे एक आगे से ये चालू करे मिड फॉर्मूला, तो +1 कर देंगे यहां पे, एंटर कर दीजिए, बस काम हो गया। देखिए कितना आया निकल के, 3 आया। मैंने यहां पे लिखा 2 2 2 प्लस 3 4 3, एंटर किया, तो देखिए ये तो हो गया प्लस से पहले का नंबर, ये प्लस से बाद का नंबर हो गया। तो ये दोस्तों फॉर्मूलेज हैं जो आपको समझने हैं, बस मोस्टली काम हो चुका है। अब यहां पे हम टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे लगाएंगे ये थोड़ा सा आप और समझ लीजिए। बस इज नंबर एक फॉर्मूला होता है एक्सेल में, जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि सेल में जो लिखा हुआ है वो नंबर है या नहीं है। तो इज नंबर फॉर्मूला मैंने ओपन किया, इसमें ये सेल कर दिया सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर दिया, तो यहां पे आया फॉल्स, क्योंकि इस सेल में जो लिखा हुआ वो नंबर नहीं है। तो आप इसको ड्रैग कर सकते हो नीचे और यहां पे रिजल्ट इसका देख सकते हो, ट्रू फॉल्स में आएगा। यहां पे नंबर है तो ट्रू आ गया, और यहां पे टेक्स्ट है तो फॉल्स आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको पता चल गया होगा। अब हमें करना क्या है, हमें अगर इस सेल में नंबर है तो वो नंबर इस सेल में आ जाए, अदरवाइज अगर इस सेल में टेक्स्ट है तो मतलब इस तरह से लिखा हुआ है प्लस से पहले प्लस के बाद में, तो प्लस से पहले का नंबर और प्लस के बाद का नंबर जुड़ जाए। तो हमें यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कैसे लगाएंगे यहाँ पे देखिए, इस नंबर से पहले लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन,
इसके अंदर लॉजिकल टेस्ट में हमने इस नंबर का फॉर्मूला दे दिया। इस नंबर का फॉर्मूला यहां पे बताएगा ट्रू एंड फॉल्स, अगर नंबर होगा तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहां पे हमने लिखा इफ इज नंबर, लास्ट में लगाएंगे यहां पे कॉमा, अगर नंबर है तो इस सेल में जो लिखा हुआ है वो आ जाए, अदरवाइज अदरवाइज प्लस से पहले और प्लस के बाद का जो नंबर है इनका सम हो जाए। तो इसके लिए हम यहां पे ये लेफ्ट और मिड का फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं यहां पे कॉपी करूंगा, अभी बाहर हम आ नहीं सकते इस सेल से, तो मैं स्टार्ट पे यहां पे क्लिक करूंगा और सिंगल कोट्स लगा दूंगा। ठीक है, ये लगा दिया सिंगल कोट्स। ये जो लेफ्ट का फॉर्मूला है ये हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, और फिर हम इसको यहां पे आके यहां पे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी, प्लस का साइन लगा देंगे, और फिर हम ये वाला ले लेंगे डबल क्लिक करके, ये मिड का फॉर्मूला कॉपी कंट्रोल सी, और यहां पे हम इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। ठीक है दोस्तों, बस अब यहां ये सिंगल कोट्स आप हटा दीजिए जो हमने आगे लगाई थी, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहां पे आप देखिए काम हो गया, आ गया इस सेल में जो लिखा हुआ है 222343 टोटल ये आ गया। ठीक है ना, इसको पकड़ के आप नीचे ड्रैग करोगे तो फिलहाल जो भी ये सम आया है ये केवल इसी कॉलम का है। ठीक है ना, 100 प्लस 30 130 ये हो गया, इतना हो गया। अब थोड़ा सा हमें इसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो कैसे करना है आप देखिए, यहां पे हम करेंगे डबल क्लिक। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों ये केवल इस कॉलम के लिए है, अब इन बाकी दोनों कॉलम्स के लिए ये सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे लास्ट में क्लिक करता हूँ। अभी आप देखोगे इस फॉर्मूला में जो सेल है वो C3 है, C3 C3, यहाँ पे C3 है, ये वाला सेल है। तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगाया और कंट्रोल वी से सेम फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। अब ये जो सेकेंड फॉर्मूला है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें हम सेल रेफरेंस चेंज कर देंगे, इसमें ये वाला सेल रेफरेंस देना है D3, तो यहाँ पे हम C की जगह D कर देंगे, D और यहाँ भी D और यहाँ भी D। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सेल रेफरेंस चेंज कर दिया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, लास्ट में फिर से प्लस का साइन लगाएंगे और फिर से कंट्रोल वी करके फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये वाला सेल रेफरेंस देंगे E3, तो यहाँ पे यहाँ से फॉर्मूला चालू है थर्ड फॉर्मूला, तो यहाँ पे E3 कर देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीन फॉर्मूले सेट कर दिए हैं। आप अगर आपके पास और भी कॉलम्स हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हो दोस्तों, बस एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे देखिए टोटल बिल्कुल एकदम से सही आ गया है, ये देखिए ड्रैग करके देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐड करता हूँ इस तरह से प्लस करके, मान लीजिए 3 2 ऐड कर दिया, तो ये देखिए है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लीजिए 100 प्लस 200, एंटर कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट काम करेगा। प्लस से पहले कितने डिजिट लिख सकते हो, प्लस के बाद भी कितने भी डिजिट लिख सकते हो। थोड़ा लॉजिकल है दोस्तों, थोड़ा लेंथी है, बट इसका यही समाधान है, इसका यही सॉल्यूशन है अगर आप इस तरह से नंबर्स को सेल्स में लिखते हो और फिर आपको उनका टोटल करना है तो। ठीक है दोस्तों, आसान है, थोड़ा लेंथी है, आसान है। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखिए, और ये ट्रेनिंग फाइल जो है आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल दीपक ईडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक एंड शेयर से। मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।